बिजनौर जनपद में गन्ने की पैदावार को लेकर के गन्ने की बुआई में किसान तरह तरह के प्रयास करता है। फिर भी इस वर्ष गन्ने की पैदावार में एक बीमारी ने गन्ने की फसल को जकड़ लिया, जिससे काफी किसान भाइयों के गन्ने के खेत उजड़ गए और किसानों को काफी नुकसान हुआ। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिकतम गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें अकेले बिजनौर जनपद में 10 गन्ना मिल हैं, जिसमें रोजगार के अच्छे स्रोत हैं। और इस बार देखा गया कि गन्ने की पैदावार को लेकर के किसान भाई अधिक चिंतित हैं और गन्ने की बुवाई का सीजन चल रहा है और किसान भाई निरोगी गन्ने की पैदावार को लेकर के गन्ने की प्रजाति को बदल रहे हैं, क्योंकि इस बार गन्ने की फसल में रोग लगने की वजह से गन्ने की फसल अच्छी नहीं हो पाई। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार बारिश अधिक होने की वजह से गन्ने के खेतों में पानी भर गया, जिससे गन्ने में अधिकतर रोग लग गया, जिसे आम भाषा में कैंसर भी कहते हैं, जिससे किसानों के गन्ने के भरे खेतों में पानी से काफी नुकसान हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर गन्ने की अच्छी पैदावार की जाए तो गन्ने की प्रजाति को बदलना पड़ेगा, जो अधिकतर बिजनौर के किसान 95% बुवाई करते हैं। इस प्रजाति को बदलना पड़ेगा गन्ने की फसल को, जो कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होकर फसल को नष्ट कर रहे हैं। छुटकारा पाया जा सकता है। समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कैंप लगाया और बताया भी जाता है कि गन्ने की फसल और अन्य फसलों के बारे में जानकारी लेना उचित होगा। सभी को नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गन्ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रीढ़ है। अगर विगत वर्षों की बात देखा जाए तो हमारे गन्ना किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि गन्ने की हमारी जो प्रजाति है को 0238 हमारे जनपद बिंदुओं में लगभग 95% एरिया के ऊपर यही प्रजाति लगी थी, और इस प्रजाति में गन्ने की जो सबसे भयंकर बीमारी थी, जिसे कैंसर भी बोलते हैं, लाल सड़न रोग यानी रेड राट, इस बीमारी का इतना प्रकोप आया कि कुछ किसानों के खेतों में तो पूरे के पूरे खेत खत्म हो गए। तो इस वैरायटी से अगर बचना है तो पहला काम हमको करना पड़ेगा कि हमको अब यह प्रजाति को 0238 को बदलना पड़ेगा, यानी कि बीज बदलाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे जनपद में जो नई प्रजातियां आ रही हैं, जैसे को 15023, कोसा 13235, कोलक 14201 और कोसा 17231, इन प्रजातियों पर हमारे किसान साथियों को जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको हमारे किसान साथी नहीं देते हैं। वह महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जब भी हमारा किसान गन्ने की बुआई करता, सीधे बुआई कर देता है। किसान साथियों, जब भी गन्ने की बुआई करें, आप गन्ने के दो आँख के टुकड़े को काटिए, गन्ने की जो नीचे का 1/3 भाग यानी 3 आँख की कोरी तक को आप काट कर बाहर कर दीजिए, उसके ऊपर का भाग बोने के लिए प्रयोग करिए। गन्ना 9 से 10 माह पुराना होना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ गन्ना बुआई से पूर्व गन्ने के बीज का शोधन करना आवश्यक है। इसके लिए किसान साथियों 100 लीटर पानी लीजिए, उसमें 200 ग्राम कार्बेंडाजिन और 50 ml एमिडा क्लोप्रिड डाल करके आप उसमें कम से कम आधे घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो कर रखें, उसके बाद ही आप बुआई करें, तो अगले साल जब आपकी फसल तैयार होगी वह लाल सड़न रोग से प्रभावित नहीं होगी और गन्ने की उत्पादकता भी प्रभावित नहीं होगी।